लिखा सकते हैं, हम ई टर्म भी लिखते हैं, रेशियो रेशियो बी इट इज क्लियर दैट रेशियो का क्रिएशन है फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन का क्रिएशन है रेशियो. ओके नाउ वी स्टडी अबाउट इक्विवेलेंस रेशियो. नाउ वी स्टडी अबाउट इक्विवेलेंस रेशियो. रेशियो हम क्या सीखे हैं, यानी रेशियो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें दो दो क्वांटिटी को हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, उस क्वांटिटी का जो यूनिट होता है क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. ठीक है, इक्विवेलेंट रेशियो. नाउ वी स्टडी अबाउट इक्विवेलेंट रेशियो. Here we can study about we will study about equivalence ratio बारे में बुक बनाया है. कैसे पावर मीटर पार्ट equivalence ratio आता depends on इसमें ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, आपने equivalence ratio आप ratio find equivalence ratio find 4 equivalence ratio आप 5 ratio equivalence ratio आप 2 equivalence ratio यानी क्वेश्चन का कोई रेशियो देगा आपको तो कुछ टू रेशियो फाइव और बोलता है कि क्वेश्चन सेड है, क्वेश्चन आता है इसका टू रेशियो फाइव टू इक्विवेलेंट रेशियो फाइव मिले हैं, सी इक्विवेलेंट रेशियो फाइव या फोर इक्विवेलेंट रेशियो फाइव इज. इसको पर सबसे पहले क्या करते हैं, जो गिवन क्वांटिटी होती है ठीक है, जो रेशियो को दिया गया होता है उसको फर्स्ट ऑफ ऑल वे राइट रेशियो मीन फ्रैक्शन फॉर्म. किस फॉर्म में लिख लेते हैं, फ्रैक्शन फॉर्म में टू रेशियो फाइव इक्वल टू रिटन है टू अपॉन देन फर्स्ट ऑफ आप मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय टू. किसे मल्टीप्लाई करते हैं, टू से मल्टीप्लाई करते हैं ठीक है, इसको टू गुना फोर फाइव गुना टेन ठीक है. इसके बाद इसको एरिया को मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले हमको टू से मल्टीप्लाई करना है और सेकंड के लिए थ्री से मल्टीप्लाई करना है, टू अपॉन फाइव इंटू थ्री इंटू थ्री टू थ्री या सिक्स फाइव थ्री या ओके हियर फोर रेशियो टेन एंड सिक्स रेशियो फिफ्टीन. फोर रेशियो टेन एंड सिक्स रेशियो फिफ्टीन आर टू इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ गिवन रेशियो टू रेशियो फाइव. ओके यदि हमको किसी भी क्वांटिटी का इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना हो तो सबसे पहले उस रेशियो को हम लोग चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, इसमें चेंज करते हैं फ्रैक्शन में, उसके बाद उस फ्रैक्शन में सबसे पहले टू से मल्टीप्लाई करना है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं टू से, वो भी किसमें है न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर में, टू से मल्टीप्लाई करते हैं दो दिया जब फाइंड करता है उसको रेशियो भी लिखते हैं ठीक है. उसके बाद न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में थ्री से मल्टीप्लाई करते हैं जो रिजल्ट फाइंड होता है ठीक है. और ये जो दोनों गिवन रेशियो होती है ठीक है, ये जो रिजल्टिंग रेशियो होती है वो गिवन रेशियो का क्या होता है, गिवन रेशियो का इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड ठीक है. पहले नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं, एग्जांपल सेट है फाइंड फोर equivalence equivalence ratio which of find for equivalence ratio of mean number ठीक है, find for equivalence ratio of 3:6 यानी जब क्या कर रहे हो, find for equivalence ratio थ्री रेशियो सिक्स, यानी थ्री रेशियो सिक्स का हमको क्या करना है, फोर को इक्विवेलेंट रेशियो फाइंड करना है ठीक है. प्रोसेस क्या होता है, वी नो दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज रेशियो इन फ्रैक्शन, रेशियो को किस में चेंज करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज करेंगे, थ्री अपॉन सिक्स चेंज हो गया फर्स्ट
फर्स्ट इंटीग्रल का रेशियो फाइंड करने के लिए किसे मल्टीप्लाई करेंगे, उसे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 3/6, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी न्यूमरेटर मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिनोमिनेटर आल्सो मल्टीप्लाई बाय 2, डिनोमिनेटर आल्सो मल्टीप्लाई बाय 2, 3/6/6 हो जाएगा, ओके, फर्स्ट हो गया, सेकंड, अब सेकंड इंटीग्रल में इसको ये आए इनिशियल रेशियो 3/6 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 3 3 9 6 3 18 ओके फॉर थर्ड इक्विवेलेंट रेशियो ये मल्टीप्लाई 3/6 बाय 4 ओके 3 4 जा 12 6 4 जा 24 ओके एंड फॉर फोर इक्विवेलेंट रेशियो फोर्थ इक्विवेलेंट रेशियो के लिए क्या करेंगे 3/6 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 3 5 जा 15 6 5 जा 13 हियर We see that 6 ratio 12 6 upon 12 can be written as 6 ratio 12 no? 6 ratio 12 9 ratio 18 12 ratio 24 15 ratio 15 here 6 ratio 12 9 ratio 18 12 ratio 24, 15 ratio 13 are equivalent ratio of 3 ratio 6. यानी 3 ratio 6 के लिए क्या है? Equivalent ratio है. और कितना ज़्यादा बढ़ता है तो फैक्टर करेंगे. 4, 1, 2, 3. फैक्टर क्या होगा? Next. Next हम लोगों को पढ़ना है. Ratio in simplest form. Ratio in simplest form. Now we will study about ratio in simplest form. The ratio in simplest form को बनाना है. तो ratio in simplest form. Thank you.
तो परिणाम आप रिसीव हो। एग्जाम्पल चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से है फाइंड द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द रेशियो 4:9 एंड 3:5, यानी 4:9 एंड 3:5 में करेक्ट रिलेशन फाइंड करना है। करेक्ट रिलेशन में इसका फाइंड करना है विच रेशियो इज स्मॉलर एंड विच रेशियो इज ग्रेटर, विच रेशियो इज स्मॉलर एंड विच रेशियो इज ग्रेटर। आपने क्या कंपेयर करना है, कौन सा करेक्ट रिलेशन फाइंड करना है, कौन सा रेशियो बड़ा है और कौन सा रेशियो छोटा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये जाए गिवन रेशियो इन फ्रैक्शन फॉर्म, किस फॉर्म में भी लिखते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में, ठीक है। इतना क्लियर और बीच में क्या होता है और, ठीक है, कौन बड़ा है कौन छोटा है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये गिवन रेशियो इन फ्रैक्शन फॉर्म, फ्रैक्शन फॉर्म में आगे बढ़िए, उसके बाद देखो क्या होता है। फर्स्ट फ्रैक्शन के न्यूमरेटर से सेकेंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में क्लियर, देन डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड फ्रैक्शन, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड फॉर कंपेयरिंग एनी टू रेशियो। फर्स्ट ऑफ ऑल रेशियो बी गाइड रेशियो इन फ्रैक्शन फॉर्म, ओके, देन वी मल्टीप्लाई न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट रेशियो एंड डिनोमिनेटर ऑफ सेकेंड रेशियो टू ईच अदर, एंड सेकेंड वी मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट रेशियो एंड न्यूमरेटर ऑफ सेकेंड, फर्स्ट फ्रैक्शन एंड न्यूमरेटर ऑफ सेकंड फ्रैक्शन, इसका क्या करते हैं हम लोग, ठीक है। देन 4:5 और 9:3 यह रेशियो है 4:5 20 और 27 यह रेशियो है 20:27 यह रेशियो है 20:27 देन 4:9 3:5 यह रिकॉर्ड से है
Now we start exercise 13.1. 13.1 को हम बोलते हैं स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन स्टेट है, फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 13.1 क्वेश्चन नंबर 1. फाइंड द रेशियो ऑफ 6 kg टू 600 ग्राम. 6 kg क्वेश्चन फर्स्ट ए, 6 kg टू 600 ग्राम. 6 kg टू 600 ग्राम. यह भी सी है यूनिट ऑफ वाट क्वांटिटी आर नाश है. यूनिट ऑफ वाट क्वांटिटी आर नाश है. देन फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेंज द यूनिट्स ऑफ गिवन क्वांटिटी. वी चेंज वेसल चेंज द यूनिट्स ऑफ गिवन क्वांटिटी. देन वी चेंज के किलोग्राम में ग्राम, किलोग्राम में ग्राम. तो वी नो दैट 1 kg equal to 1000 gram. Okay. Now we can write 6 into 1000 gram. In ratio कितने आ रहे हैं? 600 gram. Now 6000 gram. Damn ratio.